2019 एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट, 3000 मीटर स्टीपल चेज में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के युवाओं की क्षमता के प्रतीक। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इस कथन को अपने जीवन का आधार बना चुके हैं अविनाश साबले। महाराष्ट्र के छोटे से गांव मांडवा में पैदा हुए अविनाश साबले ने 2015 में इंटर आर्मी क्रॉस कंट्री रनिंग में अपना एथलेटिक्स करियर शुरू किया। साल 2016 में वो स्टीपल चेज की दुनिया में आए और भारत सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं के साथ वो 3000 मीटर स्टीपल चेज में 1952 के बाद ओलंपिक्स क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। हर चीज के लिए हमें कॉम्पिटिशन के लिए, फिर प्रैक्टिस के लिए साई टॉप्स और फेडरेशन बहुत मदद करती है। आज हर चीज़ टाइम पे मिल रही है और ट्रेनिंग का प्लान, कोचेस, फिर फैसिलिटीज़, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। साई वगैरह से और टॉप से मतलब सपोर्ट मिल रहा है। एक गरीब अन्नदाता के परिवार में अभाव से लड़कर आज दो बार खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले नेशनल चैंपियन अविनाश साबले हैं। 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा।